आप सभी का स्वागत है हमारे रसोई में। आज मैं बनाने वाली हूँ पाव भाजी और ये खाने बहुत टेस्टी लगती है और इसे सब लोग बहुत पसंद करते हैं। चलो बनाना शुरू करते हैं। पाव भाजी बनाने के लिए हमने गोभी उबाल ली है और थोड़े से आलू उबाल लिए और थोड़े से सीताफल उबाल लिया इसमें पाव भाजी बनाने के लिए। ये हमने मटर लिया इसमें डालने के लिए और ये अदरक और लहसुन और प्याज है इन्हें कसेंगे मिक्सी से। ये हरा धनिया और ये टमाटर है, ये हरी मिर्च हैं इसमें डालने के लिए पाव भाजी में। पाव भाजी बनाने के लिए कढ़ाई में थोड़ा सा बटर डालेंगे और इसे मीडियम गैस पर गर्म कर लेंगे और इसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे और जीरे को भून लेंगे अच्छी तरीके से। और जीरा भूनने के बाद इसमें कटी हुई प्याज और लहसुन डाल देंगे और इसे अच्छे से चला करके भून लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। अब हमने प्याज भून लिया, अब इसमें कटी हुई मिर्च डाल देंगे और इसमें थोड़ा सा अदरक डाल देंगे कसा हुआ और इन्हें अच्छे से चला करके भून लेंगे। मिर्च भुनने के बाद इसमें कटे हुए टमाटर डाल देंगे और इसमें एक कटोरी मटर डाल देंगे और इन्हें अच्छे से चला करके भून लेंगे। मटर और टमाटर भुनने के बाद इसमें उबली हुई सब्जी डाल देंगे। अब इसमें हम मसाले डालेंगे, एक चम्मच डालेंगे गरम मसाला और एक चम्मच डालेंगे अमचूर पाउडर और एक चम्मच डालेंगे पाव भाजी मसाला और एक चम्मच डालेंगे लाल मिर्च और एक चम्मच डालेंगे सूखा धनिया पिसा हुआ और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और ऊपर से डालेंगे हरा धनिया कटा हुआ और एक चम्मच कसूरी मेथी डालेंगे और इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे मसालों को। मसाला मिक्स होने के बाद रई से अच्छे से सारी सब्जी को घोट लेंगे। और सब्जी को घोटने के बाद इसमें थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। फूड कलर मिक्स करने के बाद इसमें गर्म पानी डालेंगे और इसे भाजी को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हमने भाजी अच्छे से मिक्स कर ली है और थोड़ी देर और पकाएंगे। अब हमारी भाजी बन गई है, अब इसमें थोड़ा सा नींबू डाल देंगे और इसे अच्छे से चलाएंगे और इसे चलाने के बाद एक साइड रख लेंगे। अब भाजी में तड़का लगाने के लिए इस पैन में हम थोड़ा सा बटर डालेंगे और थोड़ा सा जीरा डालेंगे और जीरा डाल के भून लेंगे। जीरा भुनने के बाद पाव भाजी मसाला डालेंगे और थोड़ा सा नमक डालेंगे और थोड़ा सा और अमचूर डालेंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे और इसे भाजी में तड़का लगा देंगे। अब हमने भाजी में तड़का लगा दिया और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे तड़के को। अब हम तड़के वाले पैन में ही पाव सेक लेंगे मसाला पाव बनाने के लिए और इन्हें अच्छे से सेकेंगे। अब हमारे पाव सिक गए हैं, अब इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हमारे पाव भाजी बनके तैयार हैं और ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। और मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना।